में हमारा जो आज का जो करंट मुद्दा है वो ये कि 5 मार्च को यूजीसी से एक लेटर आता है और उसमें लेटर में ये लिखा होता है कि जो भी पोस्टें होंगी पूरी मतलब पूरे देश में जो भी रिजर्वेशन की पोस्ट होंगी या जितना भी जो रोस्टर के माध्यम से जो पोस्टें भरी जाती है वो जो रोस्टर बनाया जाएगा वो 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि जो 13 पॉइंट रोस्टर है ना ये समझने की जरूरत है कि 13 पॉइंट रोस्टर है क्या। हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रिजर्वेशन जो लागू होता है वो जो एससी का रिजर्वेशन है वो पहले से लागू है, उसके बाद जब हमारा ओबीसी का है वो 2007 से है। तो इस दौरान हमारे यूनिवर्सिटी में 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से रोस्टर बनाया गया जिसके हिसाब से हमें एससी एसटी ओबीसी की पोस्टें मिलती है और उसमें रिजर्वेशन फुलफिल होती है। लेकिन अब जो पहले जो एक पूरी यूनिवर्सिटी को मान के कॉलेज को मान के यूनिट के हिसाब से पोस्टें आती थी जिसमें एससी एसटी ओबीसी तीनों के तीनों लोग तीनों के तीनों समाज का रिप्रेजेंटेशन कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जाता था, पोस्टें भरी जाती थी। लेकिन ये जो 13 पॉइंट रोस्टर है इसमें जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट है जैसे संस्कृत है लैंग्वेज के खासकर जैपनीज है उर्दू है जो छोटे डिपार्टमेंट है उसको अगर आप एक सब्जेक्ट वाइज रोस्टर अगर हम बनाते हैं तो उसमें एससी एसटी ओबीसी की सीट ही नहीं आएंगे। अगर एक डिपार्टमेंट में 4 प्रोफेसर है तो सारे वो 4 ही प्रोफेसर रहेंगे ताउम्र जब तक वो रिटायर नहीं हो और उसके बाद भी एससी एसटी ओबीसी का नंबर आएगा वो बाद की बात है। हमारी ये मांग है कि जब पहले से 200 पॉइंट रोस्टर यहाँ पर लागू है और जो रिजर्वेशन को अभी तक बैकलॉग भरा ही नहीं गया, अभी बैकलॉग भरा ही नहीं गया ऊपर से आप 13 पॉइंट रोस्टर को आपने लागू करवा दिया और ये बेसिकली देखने की जरूरत है कि जो 13 पॉइंट रोस्टर है ये इसका आया ये कहाँ से। ये बेसिकली आया है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया उस कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, एक यूजीसी को एक लेटर भेजा कि आप रिजर्वेशन की सीट जो भरी जा रही है लगातार उसको एज ए सब एज ए यूनिट मानने के बजाय उसको एज ए सब्जेक्ट मानिए, वो उसके आधार पे आप रोस्टर बनाइए। हमारी मुख्य मांग आज की सिर्फ यही है कि तुरंत ये जो लेटर है यूजीसी इसको विड्रॉ करे और यूजीसी विड्रॉ करे ना सिर्फ विड्रॉ करे बल्कि जो 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से जो बैकलॉग हम लोगों को मिलना चाहिए वो बैकलॉग भरा जाना चाहिए। जो हमारे लिए जो इतनी मुश्किल से हम लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं जो जो एससी एसटी ओबीसी जो आज जो शिक्षण संस्थाओं में आने लगा है बेसिकली सरकार का कोर्ट के माध्यम से उनको रोकने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके खिलाफ आज आप देखिए मेरे साथ में है जितने भी रिप्रेजेंटेशन है हमारे यहाँ जो जो विभिन्न कॉलेजों का है विभिन्न यूनिवर्सिटीज का है जो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से जो पूरा का पूरा यहाँ टूटा भी आज इसके समर्थन में है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से टू सेव द रिजर्वेशन ये एक प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया और हमने हंगर स्ट्राइक रखा हुआ है जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती जो जिसमें मुख्य मांग अभी की एकदम यही है कि 13 पॉइंट रोस्टर हमें मंजूर नहीं है, 200 पॉइंट रोस्टर हमारा लागू होना चाहिए। जब तक ये लेटर विड्रॉ नहीं होता हम इसको हंगर स्ट्राइक को जारी रखेंगे। आज दूसरा दिन है, आज आप देखिए वहाँ पे सभी कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें न सिर्फ इवन मैं भी हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई हूँ, इसमें सभी कॉलेज सभी यूनिवर्सिटीज का रिप्रेजेंटेशन भूख हड़ताल पे है और ये भूख हड़ताल भूख हड़ताल है जब तक ये लेटर वापस नहीं होता ये भूख हड़ताल चलती रहेगी। आप ये देखिए अभी अभी तो ये शुरुआत है, कल हमने भारी संख्या में मेमोरेंडम देने की कोशिश की थी, यहाँ 300 से 500 के आसपास हमारे टीचर्स थे जो हंगर स्ट्राइक के समर्थन में हम लोग हमारे यहाँ आए हुए थे। कल इवन मतलब आप यूनिवर्सिटी की दादागिरी देखिए कि पूरा पूरा जिस तरीके से जो एक बना हुआ है कि एससी एसटी ओबीसी को बंद कर दिया जाए जाने के लिए हमें मेमोरेंडम तक कल नहीं देने दिया गया यूनिवर्सिटी के पास। आज हंगर स्ट्राइक में हमारा दूसरा दिन है लेकिन उससे पहले हम लोगों ने 15 तारीख को मंडी
हाउस से लेकर पार्लियामेंट तक एक मार्च किया था और वो मार्च का की सफलता ये हुई कि अभी तक मतलब इसके के ऊपर पार्लियामेंट कमेटी इसके लोग जो जो हमारे संसद में बैठे हुए हैं उन लोगों ने भी इसके ऊपर सोचने के लिए एक कोशिश की है, शुरुआत है जो एक हम एक अच्छी शुरुआत मान सकते हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि 15 की स्ट्राइक का कोई फर्क उनको नहीं पड़ा तो हमें मजबूर होकर हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ा जो लगातार हंगर स्ट्राइक रहेगी जब तक ये लेटर वापस नहीं। डॉक्टर कौशल जी, अनंत कुमार हेगड़े जी कह रहे थे हम तो सत्ता में आए ही संविधान बदलने के लिए हैं और आप अपने रिजर्वेशन एवं प्रमोशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आपका संविधान ही चेंज करने के लिए आए तो आपको ये रिजर्वेशन प्रमोशन कहां से मिलेगा? ये बात सही है कि ये धीरे धीरे संवैधानिक जो अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो इतने संघर्ष के बाद दिए थे उनको खत्म करने का एक तरीका है। और क्योंकि क्योंकि सीधे रूप से वो चाहे अनंत हेगड़े हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो या जो ऐसे ऐसे बयान, आप देखिए मैं कोट करना चाहूंगी अभी पिछले ऑन रिकॉर्ड है, सुब्रमण्यम स्वामी को जब ये पूछा गया था कि रिजर्वेशन का आपके ऊपर आपका क्या स्टैंड है, उन्होंने सीधा कहा था कि हम रिजर्वेशन को इतना पंगु बना देंगे कि उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। मैं यहीं से शुरुआत कर रही हूं कि रिजर्वेशन सीधे रूप से खत्म नहीं किया जाए बल्कि कोर्ट के माध्यम से रिजर्वेशन को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये न सिर्फ बहुत बड़ा षड्यंत्र है बल्कि संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अगर आप इसको इस रूप से कह दें, ये शब्दों का खेल है, जाहिर सी बात है कि अगर आप जिस तरीके से SC ST कमीशन को भी पंगु बना दिया गया, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों मतलब ये आया कि ऑटोनोमस कर दिया जाए, अगर यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस होती है तो रिजर्वेशन कहाँ रहेगा? मतलब कि सीधे रूप से खत्म करके, खत्म ना करके उसको दूसरे तरीके से किया गया है ताकि SC ST OBC या दलित बहुजन समाज इकट्ठा होकर इसका विरोध ना करे, सड़कों पर ना उतरे। लेकिन ये भ्रम है उनका, SC ST OBC आज इतना कमजोर नहीं है कि वो सड़कों पर ना उतर सके, SC ST OBC आज इतनी ताकत रखता है कि यहाँ ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए और ये हमारा धरना ना सिर्फ यहाँ है, ये मैं बता दूं आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये आपका महत्वपूर्ण बात ये है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है बल्कि इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटीज का मुद्दा है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, हरियाणा की यूनिवर्सिटी हो, जिसने भी हमारे सामाजिक संगठन है उनमें सभी में इसका विरोध फैल चुका है और ये विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक UGC इस जो लेटर है जो 5 मार्च का जो लेटर है उसको विड्रॉ नहीं कर लेती। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इसमें न सिर्फ हमें आप लोगों की जरूरत है, आप लोग क्योंकि मीडिया इन बातों को नहीं उठाता, सोशल मीडिया हमारे पास सशक्त माध्यम है, ये मैं बधाई दूंगी आपके इस चैनल को कि आपने इसको कवर करने के लिए आप यहाँ पर आए, टाइम निकाला, लेकिन सोशल मीडिया हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है, हम चाहते हैं कि ये संसद से लेकर सड़क तक ये लड़ाई लड़े और ये सिर्फ शिक्षण संस्थाओं का मुद्दा नहीं है, ये मैं बता दूं, ये आने वाली जनरेशन जो आज हमारी स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन भी प्रभावित होंगी। हमारी ये लड़ाई इनकी लड़ाई नहीं है जो बैठे हुए हैं बस, बल्कि उनकी भी लड़ाई है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए हैं उनको बचाने का। आने वाली पीढ़ियाँ हमसे सवाल पूछेंगे कि आप जब कहाँ थे जब संविधान के अधिकारों का हनन होगा, उन संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए भी आज हम सड़क पर उतरे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन जो जो पढ़ लिख के अब यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी हैं उनके लिए दरवाजे खुले रहे, ये दरवाजे बंद करने का एक प्रयास है। ये ऑटोनोमस के नाम पे गुरुकुल की परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा आप जानते हैं, जनेऊ के बिना आप गुरुकुल में प्रवेश नहीं कर सकते थे, उपनयन संस्कार के बिना आपका प्रवेश नहीं होता था, हमारा इतिहास गवाह है कि उपनयन संस्कार शूद्रों का नहीं होता था, अगर शूद्रों का अधिकार ही नहीं, उपनयन संस्कार ही नहीं होता था तो उनके लिए गुरुकुल के दरवाजे, उनके लिए शिक्षा का अधिकार उनके लिए बंद था, यही ऑटोनोमस के नाम पर आज सरकार कर रहा है। लेकिन सरकारों को ये भूल मतलब याद रखना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संतानें हैं, ज्योतिबा फूले के संतानें हैं और जो शिक्षा की शुरुआत जो माँ सावित्री बाई फूले ने जो शुरुआत की थी उनके संतानें, इतनी जल्दी हार मानने वाली हम नहीं है, आप लोगों का हमारे साथ है, ये सामाजिक
हॉस्पिटल हमारे साथ आएंगे, मीडिया हमारे साथ आएगा और हम आने के पर मजबूर करेंगे कि मीडिया आएगा। ये सोसाइटी का मुद्दा है, ये आंदोलन सिर्फ शिक्षकों का आंदोलन नहीं है बल्कि समाज का मुद्दा है, सामाजिक अधिकारों का मुद्दा है, हमारे संवैधानिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। इसमें आप सब लोगों का ये सहयोग अपेक्षित है। मैं आज खुद हंगर स्ट्राइक पे हूँ, अगर ये मांगे पूरी नहीं की गई हम लगातार इसको जारी रखेंगे। मैं खुद हंगर स्ट्राइक पर लगातार बैठूंगी, आज सिर्फ एक दिन की हंगर स्ट्राइक नहीं है, हम तब तक हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे जब तक ये सरकार अपने फरमान जो लगातार किए जा रहे हैं, कभी SC ST कमीशन के नाम पे उनकी अधिकारों को सीमित करना, कभी ऑटोनॉमस का करना, कभी UGC जो टर्म कंडीशन लेके आ रही है वो दलितों के अधिकारों का आना है, ये सारे के सारे अधिकार हमें आज चाहिए। हम आज स्वतंत्र भारत में हैं, ये भारत हमारा भी भारत है, राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। जय भीम, जय।